ओकोवा में एक छात्रा की मौत के मामले में परिजनों और स्थानीय जनों ने छात्रावास के बाहर जमकर हंगामा किया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। यह पूरा मामला आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय ओकोवा का है, जहां छात्राओं ने विद्यालय के गेट के सामने वे धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि यहां एक छात्रा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जहां छात्रा ने इलाज के लिए बार बार बोलती रही, लेकिन विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और ऊपर से धमकियां देते रहे, जहां छात्रा की हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए छात्राओं ने गेट के सामने भारी बारिश में समस्याओं को लेकर धरने पर बैठकर नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाई। बताया गया कि विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य, जो नियमित टीचर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा छात्राओं को गाली दी जाती है तथा टीसी देने की धमकियां दी जाती है। जानकारी के अनुसार कक्षा सातवीं की छात्रा प्रीति मरकाम जैतपुरी निवासी है। उसकी बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह बार बार छुट्टी मांग रही थी, किंतु विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और फिर उसकी हालत नाजुक देख 15 जुलाई को उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन 16 जुलाई को उनके निवास स्थान जैतपुरी में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय ओकोवा के छात्राओं ने परिजनों के साथ गेट के सामने दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे। उन्होंने विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा ही मनमानी करने से छात्रा की मृत्यु हुई है, जब तक कलेक्टर सर नहीं आते हैं तब तक गेट पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। घटना है सर 16 तारीख और सर कल एक लड़की की सीरियस तबीयत खराब हो गई। उसका नाम संगीता गायकवाड़ है और हमने बोले सर को, बोले सर सीरियस हो जाएगी इसलिए बालाघाट ले जाया जाए उसको, तो सर ने बोले क्या कहते हैं वो डॉक्टर को बुला लिया वर्मा डॉक्टर को सिर्फ, और फिर सर उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन भी नहीं था उनके पास, दोबारा गए उतने में क्या हो जाता सर किसको क्या पता है, हमने बोले सर एम्बुलेंस को बुलाओ अगर जैसा है तो वैसा ले जा दो हम पैसे दे देंगे, पैसे के लिए हम पूरे 12th वाले पूरे स्कूल से पैसे जमा करवा लेंगे, सर वो भी नहीं किया गया। 1 बजे सर उसको हॉस्पिटल ले गए, 3 बजे तक हम वहाँ जगे थे सर, एम्बुलेंस को 1 बजे कॉल किया गया था और हमारी अधीक्षिका को 9 बजे पता चल चुका था कि हमारे हॉस्टल में एक लड़की सीरियस है करके, फिर भी हमारी अधीक्षिका नहीं आई। अधीक्षिका कौन है आपकी? अधीक्षिका चेतना गोंडाने मैम। अच्छा, कहाँ गई है वो? जांच में सर अधीक्षिका तो कोई है नहीं सर, यहाँ पे लेडीज ही नहीं है हमारे लिए। कब से नहीं है? कितने दिनों से नहीं आती वो छात्रावास? आती नहीं, उन्हें एप्लीकेशन देती बोलते हैं और फिर आती ही नहीं सर। वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे बालाघाट में पढ़ रहे हैं तो हम बालाघाट में ही रहेंगे सर, दिन में आते हैं सर, क्लास अटेंड करवाते हैं और फिर शाम को 4 बजे चले जाते हैं सर, 4 बजे के बाद फिर जो भी कुछ भी घटना हुई वो सब कर्मचारी लोग देखते हैं सर, उसके अलावा सर।